हाय एवरीवन, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद दोस्त आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सीटेट के फॉर्म भरने में एक समस्या आ रही है। जैसे मैं आज एक दोस्त का फॉर्म भर रहा था, तो मैं सुबह से परेशान था कि उस नंबर पे ओटीपी ही नहीं आ रहा था। मतलब सीरियसली ये मेरे साथ हुआ कि सीटेट का फॉर्म जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। तो मैं सुबह से परेशान था कि ओटीपी ही नहीं आया, तो मुझे लगा शायद मेरे नंबर में प्रॉब्लम है या फिर मैं फॉर्म भर रहा था। फिर मुझे ना अचानक ये फेसबुक पे मुझे ये पोस्ट दिखाई दिया, किसी ने कहा था कि सीटेट के फॉर्म ओटीपी कल से नहीं आ रहे, किसी और के साथ ये परेशानी है क्या? तो मुझे लगा कि अच्छा, कहीं ऐसा नहीं कि बस मैं ही परेशान हो रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीटेट का रजिस्ट्रेशन करते के समय ओटीपी नहीं आ रहा। सो ये कॉमन समस्या है। मैं सोचा चलो आपको बताते हैं कि ये कॉमन समस्या है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो परेशान ना हो। अगर किसी ने आज फॉर्म भरना ट्राई करा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है थोड़ी देर बाद ये रिजॉल्व हो जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिएगा और ट्राई करते रहिएगा। तो जिनकी स्पेशल ये समस्या है कि ओटीपी नहीं आ रही, परेशान ना होइए, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और इसलिए भी परेशान ना होइए, केवल आपकी समस्या नहीं है। हाँ, ये हकीकत है, कुछ लोगों के साथ ये समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी एक बहुत ही ख़ास बात करनी थी, ख़ासतौर पर जैसे मेरे चैनल से अवध विश्वविद्यालय से बच्चे जुड़े रहते हैं और उनका प्रेफरेंस अयोध्या रहता है। तो दोस्तों, एक बैड न्यूज़ है, दुखभरी खबर है आपके लिए कि आपके शहर में जो सीटेट का सेंटर एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई थी, जो नंबर्स रखे गए थे, वो फुल हो चुके हैं। मैं ये फॉर्म मैं कल भर रहा था, तो कल देखेंगे आप। तो अयोध्या में जिसका एग्ज़ाम सिटी का सेंटर कोड 251 है, टोटल 8509 सीटें रखी गई थी और 8509 सीटें फुल हो गई हैं, जिसमें जीरो वैकेंट रखा है। यानी कि अब कोई बच्चा अगर अयोध्या में फॉर्म भरना चाहता है, अयोध्या में एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहता है, तो वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका सेंटर फुल हो चुका है। अभी भी बड़ी मात्रा में लखनऊ में सेंटर बचा हुआ है। तो मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि जिन बच्चों को फॉर्म भरना है, लखनऊ आ जाइए, नवाबों के शहर में आ जाइए, मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, प्लीज़ जल्दी करें, आप अपना फॉर्म भर लीजिए। लखनऊ का सेंटर बचा है, आप लखनऊ सेंटर डाल लीजिए। कुछ लोग अगर ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि हो सकता है, क्योंकि हाँ, हर साल कुछ एग्ज़ाम्स के सिटीज़ में सेंटर बढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही बढ़ाई जाती है, थोड़ी ही देर में वो ख़त्म हो जाती है जब तक आपको खबर मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका इंतज़ार ना करें। जो भी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर आता है, चाहे आप लखनऊ चले जाएँ, चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आता है, तो उसे जल्द से जल्द भर लीजिए। ठीक है, प्लीज़ देर मत करिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ भरना है। और एक खास रिक्वेस्ट ये है कि आप कहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है वो, या जो तुरंत भरना जा रहे हैं या भरना चाहते हैं, वो कौन सा एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करना चाहते हैं, वो कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बताइएगा, ताकि हो सकता है मुलाकात हो जाए। तो इस वीडियो में बस दो सूचनाएँ थी। पहली सूचना ये कि ओटीपी से संबंधित समस्याएँ आ रही है, तो उसके लिए घबराइए मत, कॉमन समस्या है। दूसरी बात कि अयोध्या में दोस्तों सेंटर फुल हो चुका है, और मतलब खुशी, देखो थोड़ा सा ना मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे अब लखनऊ आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। तो आप लोग लखनऊ का फॉर्म भर लीजिए। वेलकम टू LKO। ओके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटेट। सो इस वीडियो में बस ये दो सूचनाएं थी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कहाँ सेंटर आपने चूज़ किया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा अगर आप लखनऊ आते हैं तो। सो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सीटेट के लिए।